तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान किया गया वीडियो है। इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वही 30 तारीख के ऑक्शन में या फिर 31 तारीख के ऑक्शन में होगा, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ गुरु एनालिसिस की एक प्रेडिक्शन यानी कि अनुमान किया गया हुआ वीडियो है दोस्तों। अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर देखिए, अगर आपको नहीं अनुमानित कुछ भी नहीं देखना है तो मत देखिए दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपके पास 30 या 31 मई के बाद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को ना देखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप कबड्डी गुरु के अन्य वीडियोस देखिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? मेरा नाम है कौस्तुभ सरकार और आप देख रहे हैं कबड्डी गुरु, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कबड्डी अपडेट्स। तो दोस्तों, आज हम अपने इस गुरु एनालिसिस एपिसोड में बात करेंगे तेलुगु टाइटंस के बारे में। तो दोस्तों, चलिए खेलते हैं कबड्डी। तो अगर आपने डिस्क्लेमर स्किप किया था तो जरूर पहले डिस्क्लेमर देख ले, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी बताने जा रहा हूँ ये मतलब फिक्स नहीं है कि तेलुगु टाइटंस 30 तारीख को ऑक्शन में ठीक वही करेंगे। इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन वीडियो, में बस अनुमान लगा सकता हूँ, बाकी सब उनके टीम मैनेजर्स के ऊपर है। दोस्तों, अब हम बात कर लेंगे कि तेलुगु टाइटंस ने किन किन प्लेयर को रिटेन किया। दोस्तों, उन्होंने रिटेन किया है ईआरपी लिस्ट में मोहसिन मकसदगुलू जाफरी और नीलेश सालुंके को। अगर ईआरपी क्या है नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। और एनवाईपी में मतलब न्यू यंग प्लेयरों में रिटेन किया है विशाल भारद्वाज और समवीर को, जो बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर थे पिछले साल के। दोस्तों, एनवाईपी भी क्या है नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब आप कहोगे तेलुगु टाइटंस ने थोड़े ही अपने एनवाईपी लिस्ट मतलब डिक्लेयर किए हैं, नहीं किए हैं, हाँ पता है दोस्तों, लेकिन 422 प्लेयर्स की जो लिस्ट है उस लिस्ट में ये दो नाम नहीं है दोस्तों, तो उस बेसिस पे मैंने कहे हैं। तो तीसरा नाम क्या है वो मैं नहीं कह सकता, तो ये दो श्योर तेलुगु टाइटंस ने शायद रिटेन किए हैं। तो दोस्तों, फिर भी मैं उतना भी श्योरिटी नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने खुद ने डिक्लेयर नहीं किया है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेंगे कि उनके पास आरटीएम कितने बचे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इलाइट रिटेन में 4 से कम प्लेयरों को रिटेन करते हो तो आपके पास 2 आरटीएम बचते हैं। तो दोस्तों यार, आपके पास तेलुगु टाइटंस के पास 2 आरटीएम है, अब वो यूज करेंगे ये 2 आरटीएम किन के लिए? मेरे ख्याल से वो यूज तो जरूर करेंगे राहुल चौधरी के लिए, और मतलब एनवाईपी में अगर विशाल भारद्वाज और सोमवीर ये नहीं रहते तो इनके लिए शायद आरटीएम का यूज करते, तो शायद इनका और एक आरटीएम की जरूरत ही नहीं है। तो और एक जो आरटीएम है वो शायद राकेश कुमार जी के लिए यूज कर ले, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और उनको जरूर चाहेगी टीम में शामिल करना दोस्तों। तो उसके अलावा अब हम बात कर लेंगे कि किन किन प्लेयरों पे ज्यादा से ज्यादा पैसे तेलुगु टाइटंस लगा सकती है। दोस्तों यार, खुद के टीम के जो थे पिछले बार उनमें से रोहित राणा, राकेश कुमार, अगर उनको उनके ऊपर आरटीएम यूज नहीं करते तो राकेश कुमार और फरहाद मलघड़दन नाम का एक प्लेयर है जो ईरानियन है उसके ऊपर, और विकास, ये जो 4 प्लेयर है इनके ऊपर अगर पिछले बार के टीम से किसी को लेना चाहे तो इन चारों को ही लेना चाहेगी तेलुगु टाइटंस। अब बात कर लेंगे दूसरे टीम मतलब नए प्लेयरों के बारे में। तो दोस्तों यार, अनूप कुमार है, राहुल चौधरी तो है ही, अनूप कुमार है, नितिन तोमर है, रेशम देवाड़ी, जो भी अच्छे अच्छे प्लेयर है उन सभी को लेना चाहेगी जरूर तेलुगु टाइटंस। तो दोस्तों यार, इस बार शायद आपको राहुल चौधरी और विशाल भारद्वाज, सोमवीर, इन सबको अगर बाहर रखा जाए तो पूरी टीम आपको नई मिल जाएगी तेलुगु टाइटंस की। शायद तेलुगु टाइटंस की एक नई टीम आप सभी को इस सीजन में देखने को मिले और शायद कोच भी चेंज हो जाए दोस्तों। तो यार, तेलुगु टाइटंस के बारे में ये थी एक गुरु एनालिसिस वीडियो दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस मैंने अन्य टीमों के बारे में भी बनाई है, आप देख सकते हो। दोस्तों यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको कबड्डी के अपडेट्स हर रोज मिल सके। आप मेरे अन्य वीडियोस को भी देख सकते हो, मैं कबड्डी के अपडेट्स भी देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कबड्डी गुरु के गुरु एनालिसिस के अगले एपिसोड में।